गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आए हुए 2 महीना हो गए, 2 महीने में ये दूसरा शूट हम लोग करने जा रहे हैं। और आज का जो शूट है वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग वॉलीबॉल के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। और वॉलीबॉल का वी भी नहीं पता, वी या डब्ल्यू, मुझे ये भी नहीं पता कि वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारे प्लेयर्स हैं, ये हमारा ग्राउंड है। हम लोगों ने सुबह 5 का शिफ्ट रखा, ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास हम लोगों ने शूट स्टार्ट कर दिया है। तो शूट पे आपको सीधे ले चलते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा हम लोग कैसे शूट करें और मेरा खेल कैसा है। मेरे जैसे प्लेयर्स जो प्लेयर्स नहीं हैं, उन जैसे हरियाणवी जो हरियाणवी नहीं है, एक जो पंजाबी है वो पंजाबी नहीं है, फिर भी शूट हो रहा है। जब शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट वीडियोस के डेज चेंज हो जाते हैं, अगर वो 4-5-10 मिनट का वीडियो हो और एक दिन में शूट नहीं होता तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हम जो कल शूट कर रहे थे, सबसे पहली बात मेरी बियर्ड बहुत जल्दी बढ़ती है तो वो बढ़ गई, कल से ज़्यादा बढ़ गई। हम लोगों ने इंटरवल तक जो वीडियो शूट किया उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है। इसके बाद दूसरी बात ये कि कल बिल्कुल सूखा था यहाँ पर, और अब जो है वो रात को बारिश हो चुकी है, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो पूरी गीली हो गई है, तो मैं भी ये थोड़ा सा ग्राउंड में फर्क लगेगा। जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इतना फर्क नहीं होगा लेकिन फिर भी आसमान पूरा साफ है। बाकी जब प्रोफेशनल एक्टर्स और हम सब जो लोग मिलके कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो किसी की शायद ड्रेस भी चेंज हो सकती है, कंटिन्यूटी मैच ना हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फ़र्क पड़ सकता है। ट्राई किया और मुझे कुछ यहाँ के कलाकार मिले जो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी मरोड़ नादि का प्रधान है, जिस दिन मारा धक्का चढ़ गया ना उस दिन तेरे खिलौने, इतनी मरोड़ नादि का, उस दिन तेरे ये खिलौने शमशान में मारे तारा कांड जैसे सर थारा कैर मारा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मैंने कहा था कि प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है सारे यहाँ पर, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ड्रेस डिजाइनर नहीं है, कोई भी सेट डिजाइनर नहीं है, सबको अपना अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी डिजाइनर्स हैं वो सारे खुद ही। तो शूट कंप्लीट हो चुका है और शूट के बाद का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे खेल के बारे में कैसे शॉट्स लगाए जाते हैं और कैसे इस खेल को खेला जाता है, इसके बारे में मुझे नॉलेज गेन हुआ मेरा, मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह की कुछ वीडियोज हम लोग करें और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हम, और मेरा भी जो ज्ञान है हर खेल के प्रति या नई नई चीज़ों को सीखने के लिए जो मैं उत्सुक रहता हूँ वो चीज़ें होती रहे। सो थैंक यू सो मच, अपना प्यार दे रहिएगा। थैंक यू।